होनी चाहिए, कम से कम 3-4 से 5 सीटी लगने पर ये कुकर में इस तरीके से बॉईल हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके लिए मसाला क्या तैयार करना है। हमने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है, हमको इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल लगाना है और उसके बाद अब तक हम अपने बाउल में इसका मसाला तैयार करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें हमने 1/2 स्पून हमें इसमें धनिया पाउडर डालना है, उसके बाद हमें थोड़ी सी इसमें हमें रेड चिली डालनी है पेस्ट, जीरे भुने हुए जीरे की मतलब पाउडर, भुना हुआ जीरा है उसका पाउडर। देखिए फ्रेंड, भुना हुआ जीरा है उसका ये। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून दही। देखिए अब दही डालने के बाद हमको इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ी चम्मच में ऐड करनी है हल्दी, क्योंकि हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया, तो मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें चने ऐड कर देंगे। थोड़ा पानी आ जाए इस टाइप से मसाले से भरे हुए चने, हमारे चने बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी गर्मा गर्म चने बनके तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेस्ट लग रहा है इनका मसाले वाले चनों का, देखते ही मुंह में पानी आ जाए इस टाइप से। और इधर मैंने हलवा बना रखा है, हलवे और चने मेरे प्रसाद के तैयार हैं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही सिंपल और हलवा सच में दूध से बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्ट अच्छा आता है। आप एक बार ट्राई कीजिए, कलर इसका थोड़ा वाइट रहता है वो मुझे पता है, बट बहुत टेस्ट बहुत अच्छा था। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।